जी का बजट होता है। ठीक है ठीक है, एक रोज का रोना हो तो रो लो अभिषेक जी, एक रोज का रोना हो तो रो लो, रोज रोज रोने के लिए आंसू कहां से लाओ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बाद में मिलूंगा। झारखंड जो है हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदरणीय शिव सोरेन जी की है। ओबीसी साहब, तुम्हारा हैदराबाद तुम्हारे बाप की नहीं है, इसलिए आप तमाम लोगों से मैं आग्रह करने के लिए आया हूँ, 23 तारीख के बाद जिसने भी हमारे भाई उग्रवादी चलाया है उस पर कार्रवाई होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए आप विश्वास कीजिए, किसी के बहकावे में नहीं आना है। एक चाय वाला कहता है आज प्रधानमंत्री बन गया, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, अरे तू जितना समझत है उतना महान थोड़ी ना है, अरे तू जितना समझत है उतना महान थोड़ी ना है, अरे तू चाय बेचने वाला है तो मसीहा थोड़ी ना है। इसलिए साथी याद रखिएगा आप लोग, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय कम है और सीएम साहब को भी जाना है। साथियों मैं जाना, मैं कहना चाहता हूँ कि बंधु तिर्की जी हमारे बड़े भाई हैं, आप लोगों ने उनको 5 साल के लिए विधायक बनाया था, लेकिन ये भाजपा के लोगों ने एक साजिश के तहत उनकी संस्था छीन लिया। इसलिए कहीं आप लोग किंतु परंतु मत कीजिए, आप लोग समझिए नेहा जो है हमारी छोटी बेटी के समान है। मैं उनके लिए आपसे आग्रह करने के लिए आया हूँ, आप लोग 23 तारीख को एक एक वोट आप लोग इनको देकर जिताइए और किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। बहुत से लोग आए यहाँ, कल भी एक लोग आए गुजरात से, गुजरात के द्वारा भेजे गए हैदराबाद से, बहुत बड़े नेता जिनका मैं बहुत सम्मान करता था, हमारे क्षेत्र हमारे एरिया हमारे झारखंड में आकर आप इरफान अंसारी को गाली दे रहे। मैंने तो कुछ नहीं कहा आपके बारे में कभी, लेकिन आप मुझे टारगेट कर रहे हैं, मेरे पिताजी फुरकान अंसारी को आप टारगेट करके चले जाइएगा। आप ये बात कहेगा कि क्या है फुरकान अंसारी के बाप की है क्या, झारखंड इरफान अंसारी के बाप की है क्या? मैं ओबीसी साहब को कहना चाहता हूँ, झारखंड जो है हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदरणीय शिव सोरेन जी की है, हेमंत जी के बाप की झारखंड है, इरफान अंसारी के बाप की झारखंड है। लेकिन ओबीसी साहब, तुम्हारा हैदराबाद तुम्हारे बाप की नहीं है, इसलिए आप तमाम लोगों से मैं आग्रह करने के लिए आया हूँ, आप लोग एक होइए। आज देख लीजिए इस तरह से देश का जो माहौल है, एक चाय वाला कहता है आज प्रधानमंत्री बन गया, मैंने पहले भी कहा है आज भी कह रहा हूँ, अरे तू जितना समझत है उतना महान थोड़ी ना है, अरे तू जितना समझत है उतना महान थोड़ी ना है, अरे तू चाय बेचने वाला है तो मसीहा थोड़ी ना है। इसलिए साथी याद रखिएगा आप लोग कि भाजपा को खदेड़ने के लिए यहाँ का जो सिनेरियो झारखंड का हमने देखा है, रघुवर दास 5 सालों के जुल्म को हम लोगों ने देखा है, जल जंगल जमीन और इंसान को खून करते हमने देखा है। इसलिए हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं इस सब को लेकर चलते हैं, ये बात सच है। आपके अंदर जो गुस्सा है, कराची की जो घटना घटी है, निश्चित तौर पर ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुख्यमंत्री जी काफी गंभीर हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कुछ लोग अभी बोल रहे थे आप लोगों से, इरफान जी आप जो बोलते हैं शायद इसका असर नहीं होता है, लेकिन याद रखिए 23 तारीख के बाद जिसने भी हमारे भाई उग्रवादी चलाया है उस पर कार्रवाई होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप विश्वास कीजिए, किसी के बहकावे में नहीं आना है। हमारी बेटी के लिए मैं भीख मांगने के लिए आया हूँ, याद रखिए ये सीट 5 साल के लिए आप लोगों ने दिया है। बंधु का जो है आपकी बात को रखते हैं, मैंने सदन में देखा है जब भी इनका प्रोजेक्ट होता है। ठीक है ठीक है,
एक रोज का रोना हो तो रो लो अभिषेक जी, एक रोज का रोना हो तो रो लो। रोज रोज रोने के लिए आंसू कहां से लाओ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बाद में मिलूंगा। आप सबसे आग्रह है कि मेरी बेटी, मेरे बंधुदा यहां के उम्मीदवार है, पिछली बार 40,000 से जीते थे, इस बार आप लोग 60,000 से दो नंबर में हाथ छाप में वोट दीजिए और भारी से भारी वोट जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सलाम, नमस्कार, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को।